गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम एस के सेठ, योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट थ्री डायमेंशनल शेप्स। क्लियर स्टूडेंट? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, स्पीयर, कोन, प्रिज्म एंड पिरामिड। क्लियर बच्चों? वॉट इज अ सॉलिड स्टूडेंट? एन ऑब्जेक्ट दैट हैज अ फिक्स्ड स्पेस एंड साइज, इट इज कॉल्ड सॉलिड। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी साइज फिक्स्ड होती है स्टूडेंट और शेप फिक्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सॉलिड कहलाते हैं। एंड सॉलिड ऑक्यूपाइज अ फिक्स अमाउंट ऑफ स्पेस। सॉलिड ऑकर इन डिफरेंट शेप्स। क्लियर? दीज शेप्स आर नोन एज द थ्री डायमेंशनल शेप्स। तो ऐसे शेप्स को हम लोग क्या करते हैं? थ्री डायमेंशनल शेप। हियर सम गिवन, दिस इज अ क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, स्पीयर, कोन, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पिरामिड एंड टेट्राहेड्रॉन। क्लियर बच्चों? स्टूडेंट, दिस इज अ क्यूबाइड। सॉलिड सच एज अ वुडन बॉक्स, जस्ट लाइक मैच बॉक्स, ब्रिक एंड बुक एंड आलमीरा एक्सेट्रा, दीज आर द शेप ऑफ द क्यूबाइड। हियर सम एग्जाम्पल, वुडन बॉक्स, मैच बॉक्स, बुक एंड आलमीरा। क्लियर बच्चों? स्टूडेंट, इन क्यूबाइड हैज लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। क्लियर? वेरियस पार्ट्स ऑफ क्यूबाइड फेजेस। अ क्यूबाइड हैज सिक्स रेक्टेंगुलर फेजेस। क्यूबाइड में कितने फेजेस होते हैं स्टूडेंट? सिक्स रेक्टेंगुलर फेजेस होते हैं। एजेस टू एडजेसेंट फेजेस ऑफ क्यूबाइड मीट इन द लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड एजेज। और क्यूबाइड में कितने एज होते हैं? 12। जो लाइन सेगमेंट हम मैच करते हैं वे हमारे क्या कहलाते हैं? एजेस कहलाते हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं? कॉर्नर पॉइंट को हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? वर्टिसेस कहते हैं। तो थ्री एज ऑफ क्यूबाइड मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड वर्टिसेस। तो क्यूबाइड में टोटल 8 वर्टिसेस होते हैं। इट मीन अ क्यूबाइड हैज सिक्स रेक्टेंगुलर फेजेस, 12 एज एंड 8 वर्टिसेस। स्टूडेंट, क्यूब, अ क्यूबाइड हुज लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट आर इक्वल इज कॉल्ड क्यूबाइड। जिसकी लेंथ क्या होती है स्टूडेंट? इक्वल होती है, साइज इक्वल होती है, ब्रेथ इक्वल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे क्यूब कहलाते हैं। एग्जाम्पल, इन आइस क्यूब, शुगर क्यूब, डाइस एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट इज अ सिलेंडर। ऑब्जेक्ट सच एज अ सर्कुलर पिलर, सर्कुलर पाइप, टेस्ट ट्यूब, सर्कुलर स्टोरेज टैंक एंड मेजरिंग जार, सर्कुलर पाउडर जार आर कॉल्ड सिलेंड्रिकल शेप। क्लियर? दिस इज अ सर्कुलर पाइप, मेजरिंग जार, गैस जार, टेस्ट ट्यूब। अ सिलेंडर हैज अ कर्व्ड लैटरल सरफेस एंड टू सर्कुलर फेजेस। इट इंड क्लियर? अ सिलेंडर हैज नो वर्टेक्स। सिलेंडर में क्या होते हैं बच्चों? कोई भी हमारे वर्टेक्स नहीं होते हैं। अ सिलेंडर हैज टू प्लेन फेसेस, नेमली द टॉप एंड बेस। तो इसमें कितने होते हैं? टॉप होते हैं और बेस में होते हैं। वन कर्व्ड फेसेस, इसमें देखिए स्टूडेंट, वन कर्व्ड फेस होते हैं और टू हमारे सर्कुलर एज होते हैं। क्लियर बच्चों? द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इंड फेजेस इज कॉल्ड लेंथ। और इसके जो होते हैं क्या, जो डिस्टेंस होते हैं एंड पॉइंट के, वो क्या कहलाते हैं? लेंथ कहलाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ये हमारा देखिए टॉप है, दिस इज अ बेस, ये हमारे एज कहलाए, दिस इज अ कर्व्ड सरफेस। क्लियर बच्चों? स्टूडेंट, स्फीयर, एन ऑब्जेक्ट हुज इज इन द शेप ऑफ द बॉल इज सेड टू बी शेप ऑफ स्फीयर। दिस इज अ फिगर ऑफ स्फीयर। अ स्फीयर हैज अ वन कर्व्ड सरफेस। स्फीयर हैज नो वर्टेक्स, नो एज। स्फीयर में कोई वर्टेक्स और कोई एज स्टूडेंट नहीं होते हैं। कोन क्या होते हैं स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट सच एज आइसक्रीम कोन, कॉनिकल टेंट, कॉनिकल वेज, क्लाउन कैप एक्सेट्रा आर द शेप ऑफ द कोन। दिस इज द फिगर ऑफ आइसक्रीम, क्लाउन कैप्स एंड कॉनिकल टेंट। क्लियर बच्चों? अ कोन हैज वन प्लेन, वन प्लेन, वन फेजेस एंड वन कर्व। ट्रायंगुलर प्रिज्म,
वॉट इज अ ट्राइंगुलर प्रिज्म स्टूडेंट्स? अ सॉलिड हूज लैटरल सर्फेस एंड रेक्टेंगुलर एंड द बेसिस आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, इट इज कॉल्ड ट्राइंगुलर प्रिज्म. सी दिस फिगर स्टूडेंट, दिस इज अ ट्राइंगुलर प्रिज्म. इन ट्राइंगुलर प्रिज्म हैज सिक्स वर्टिसेस, थ्री ट्राइंगुलर लैटरल फेसेस, टू ट्राइंगुलर बेसिस एंड नाइन एजेस. एंड वॉट इज अ पिरामिड? अ पिरामिड इज अ सॉलिड हुज बेस इज अ प्लेन रेक्टिलिनियर फिगर एंड हुज साइड्स फेसेस आर ट्राइंगुलर हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स आर कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पिरामिड. क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट्स, इस चैप्टर दिस इज अ ज्योमेट्री चैप्टर, सो ऑल पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो बच्चों, आपको इसमें क्या करें, सारी डेफिनेशंस को लर्न करनी है. सारे डेफिनेशन से रिलेटेड वर्टेस कितने होती हैं, फेजेस कितने होते हैं, एज कितने होते हैं, आपको स्टूडेंट इन सभी को एकदम अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर में स्टूडेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है. तो आपको इसमें क्या करने है, सारे थ्योरेटिकल पोर्शन है और आपको क्या करने है, हर एक पॉइंट को अच्छे से लर्न करने हैं. थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली.